सुबह की तेजी के बाद मार्केट में आज क्लोजिंग काफी नेगेटिव नोट में यहाँ देखने को मिली। और निफ्टी की बात करें तो 10,831 लगभग 92 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 36,108 के पास क्लोजिंग देखने को मिली, 336 पॉइंट नीचे। ओवरऑल मार्केट में जिस तरीके से रिजल्ट जब स्टार्ट हुए तो यहाँ पर आईटीसी के रिजल्ट ने काफी हद तक ट्रैक दिया, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिला और इसकी वजह से मार्केट में एक सेल ट्रिगर हुआ और प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर काफी हद तक स्टॉक्स में देखने को मिली। इस वजह से मार्केट में डाउन का माहौल क्रिएट हुआ और मार्केट में पूरी तरह से जो तेजी थी वो गंवा दी और साथ में नेगेटिव नोट में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कर देखें, जैसा पहले मैंने बताया था, आईटीसी, ग्रासिम, इंडिया बुल, टाइटन, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में 4% से लेकर लगभग 1.5% तक की मुनाफा वसूली देखने को मिली और स्टॉक नीचे बंद होते हुए नजर आए। साथ ही जो बाइंग साइड के स्टॉक रहे, जैसे फार्मा सेक्टर आज भी पॉजिटिव रहा और आज भी अभी भी सन फार्मा में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिला। यस बैंक, जील, टाटा स्टील और विप्रो, ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि यहाँ पर अभी पॉजिटिव ग्रोथ में भी देखने को मिले और पॉजिटिव सेंटिमेंट भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो मिड कैप हो, चाहे बैंक हो, एफएमसीजी हो, पीएससी हो या फिर एनर्जी, इन सभी में मुनाफा वसूली जारी है।